Hello friends, as I always mention, your portfolio should be balanced and you should keep in your portfolio companies from different sectors, different side of businesses. उसी में से एक कंपनी आपको बता रहा हूँ जो कि फ्यूचरिस्टिक है, जरा हटकर है, इसकी मोनोपाली है पूरे इंडिया में। इस क्षेत्र की बहुत कम कंपनियाँ हैं जो लिस्टेड है, और ये कंपनी फ्यूचरिस्टिक इसलिए है कि इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ अभी टाइप किया है अराउंड 1 वीक बैक टू मेक सॉल्यूशंस फॉर ऑटोमेटिक कार्स, जो होमोलोजेशन का ऑटोमेटेड कार्स होती है उसको बनाने का जो टेक्नोलॉजी डेवलप करने का टाइप किया है विद माइक्रोसॉफ्ट USA। तो ये एक पॉजिटिव बात है। दूसरी बात, ये कंपनी ने यूरोप की कुछ कंपनियों से टाइप किया है टू मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन सेल फील्ड के जो प्रोडक्ट्स है, बिकॉज आप जानते हैं कि जैसे पेट्रोल डीजल का अल्टरनेटिव ऑल ओवर द वर्ल्ड ढूंढा जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज़ वन अल्टरनेटिव टू पेट्रोल डीजल। उसी के अलावा हाइड्रोजन सेल का जो है उसका भी, उसके से जो चलने वाले व्हीकल्स है उनका भी बड़ा अभी आने वाले फ्यूचर में मार्केट रहने वाला है। सो हाइड्रोजन सेल का मैन्युफैक्चरिंग करने का भी टाइप ये कंपनी 2-3 कंपनियों से कर चुकी है, तो ये कंपनी इस क्षेत्र में भी आने वाली है। इस कंपनी ये IT सेक्टर से बिलोंग करती है, और इसका मेन जो काम है वो है ऑटोमोबाइल के सॉफ्टवेयर बनाना। जो जैसे हम कार के अंदर जो भी कंट्रोलिंग होता है वो आजकल कार में ऑटो इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर का काफ़ी काम हो गया है, तो उसके सॉफ्टवेयर बनाना उसका काम है। और इनका जो क्लाइंट बेस है नॉट इन इंडिया बट यूरोप, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये सब जगह पे फैला हुआ है। ये कंपनी का टाइप अच्छे अच्छे कंपनियों से है, और ये कंपनी का इंपॉर्टेंट मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि फ्यूचरिस्टिक शेयर हमारे पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। तो ये फ्यूचरिस्टिक शेयर है और ये शेयर आगे जाके अच्छा ग्रोथ दिखा सकता है, बिकॉज दे आर एंटरिंग इनटू न्यू थिंग्स लाइक ऑटोमेटिक नॉन ह्यूमन कार्स और हाइड्रोजन सेल फ्यूल के इसके भी इसमें भी उतर रही है कंपनी। इसीलिए ये कंपनी पे हमें नज़र बनाना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, इसका PE है 64 का, जो कि ठीक ठाक है इसके फ्यूचरिस्टिक नेचर को देखते हुए। इसका EPS है 8 का, जो कि अच्छा है, और इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.17, मतलब कंपनी करीब करीब डेट फ्री ही है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 41% प्रोमोटर्स के पास है, दैट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। FII के पास वूपिंग 21% है, दैट इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी। एंड DII के पास है 13%, दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट हैंडसम एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो आप देख सकते हैं FII और DII का भी इसमें 21% एंड 13% रिस्पेक्टिवली होल्डिंग है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉमिसिंग लगता है कंपनी का फ्यूचर। ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर एंड क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो ये कंपनी का सितंबर 2020 में प्रॉफिट था 28 करोड़, जून 2021 में बढ़कर हो गया 60 करोड़, एंड सितंबर 2021 में बढ़कर हो गया 65 करोड़। कंपनी का नाम है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी पहले सिर्फ ऑटोमोबाइल जो सेक्टर के सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती थी, बट साथ साथ में ऑटोमेटिक कार्स और हाइड्रोजन सेल फ्यूल का भी जो एक सेक्टर है उसमें ये एंट्री कर रही है। तो लुकिंग एट दिस कंपनी कैन गिव यू मल्टीबैगर रिटर्न्स इन फ्यूचर। तो फ्यूचरिस्टिक स्टॉक में ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। मैं आपको ऐसे स्टॉक बताता हूँ जिसका फ्यूचर ब्राइट हो और जो फ्यूचर से रिलेटेड हो, क्योंकि आगे चल के यही कंपनियाँ सर्वाइव करेगी या हमें अच्छी तेजी दिखाएगी एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल कंपनीज, क्योंकि ये कंपनियाँ नई नई न्यूज़ कुछ ना कुछ मार्केट में लाती रहती है, उसके कारण इसका शेयर भागते रहता है। तो लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स, और आईटी सेक्टर की जो कंपनियाँ दोस्तों जनरली ज़्यादा गिरती नहीं है इवन इफ कोविड आता है, और आपने देखा होगा अभी मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा था, बड़े शेयर में ज़्यादा गिरावट नहीं हुई थी। इसका आज का क्लोजिंग था 514 का एंड 52 वीक हाई था 531 का। जल्दी ही अपना ऑल टाइम जो हाई है 52 वीक हाई 531 को ब्रेक करके ऊपर जाने की तैयारी कर रही है, तो अभी आप बाय करेंगे तो आपको ब्रेकआउट का भी बेनिफिट मिल सकता है। आप पार्शली बाय कीजिए, थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए, हर लेवल पे बाय कीजिए, ऐसा करेंगे तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। डोंट बाय इन बल्क, थोड़ा थोड़ा बाय करते रहिए, मार्केट गिरेगा तो ये कंपनी को आप ऐड करते रहिए दोस्तों, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में आपको शानदार रिटर्न दे सकती है, विच इज़ फ्यूचरिस्टिक कंपनी, एंड यू कैन स्टडी अबाउट दिस कंपनी एंड टेक योर डिसीजन। थैंक यू।